हेलो गाइस एवरीवन, ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल एजुकेशन हब। ये जो वीडियो है ये एक नोटिस है जो कि सीबीएसई की तरफ से आया है, और आपने शायद देख भी लिया होगा कि एक वीडियो था जो कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जो हमारे सीएम ऑफ दिल्ली हैं, उन्होंने बोला था कि जो सीबीएसई क्लास हैं फर्स्ट से प्लस टू तक के सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस निकाला है। सीबीएसई ने क्लास एक से लेकर 12 तक सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रूरी नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बीच परीक्षाओं के संचालन और अगली कक्षा के प्रमोशन के संबंध में है। क्या हुआ था कि बच्चों के मतलब पेपर एग्ज़ाम चल ही रहे थे, और आपको भी पता है कि मार्च में मोस्ट ऑफ स्कूल्स क्या है कि मार्च में लेता है अपने एग्ज़ाम, और 10th और 12th के तो ये ही था, यही टाइम पीरियड था कि जब उनके एग्ज़ाम चल रहे थे। लेकिन मिड ऑफ द मार्च तक आते आते क्या हो गया कि कोरोना वायरस की जो रैपिडिटी, जो फैलने की, स्प्रेड होने की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, और क्या हुआ कि लॉकडाउन कर दिया गया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और तो हर अलग स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अपना नोटिस जारी कर दिया है कि वो बच्चों के लिए क्या करेंगे, वो फर्स्ट टू 11th तक क्या करेंगे, 10th 12th का क्या करेंगे। तो ये सीबीएसई को लेकर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड स्कूल एजुकेशन ने क्लास एक से लेकर 12वीं तक सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी सूचना जारी की है। ये सूचना खास तौर पर सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए जो एफिलेटेड हैं गवर्नमेंट से उन स्कूल्स के लिए हैं, लेकिन इसका असर स्टूडेंट पर होगा। कैसे होगा देख लीजिए। बोर्ड ने बुधवार 1 अप्रैल 2020 को एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें क्लास 1 से 8th क्लास 9th और 11th क्लास 10th प्लस 2 के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग जानकारी दी है। यहाँ बता रहे हैं कि सीबीएसई ने विज्ञप्ति में क्या लिखा है। ये कोरोना वायरस के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, जो कि नेशनल लॉकडाउन हो रखा है, सारे स्टेट बंद है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह बंद है, हम सभी के लिए एक असामान्य परिस्थिति है ये, अब नॉर्मल सिचुएशन है। ऐसे में बोर्ड के पास कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि इसमें बच्चों के भविष्य और उनकी जो परीक्षाएं हैं आने वाले सत्र में, सेशन में क्या होगा, क्या बच्चों को अगली क्लास में भेज दिया जाएगा ऐसे ही, या फिर एग्ज़ाम होंगे। तो बच्चों के लिए ये थोड़ा टिपिकल है। तो बोर्ड सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सलाह और जानकारी देना चाहता है जो कि नीचे बताई गई है। क्लास फर्स्ट टू 8th की अगर बात करें, फर्स्ट से लेकर अगर 8th तक के क्लासेस की बात करें, तो क्या होगा कि सभी सीबीएसई स्कूलों को ये एडवाइजरी दी गई है कि अगर उन्होंने क्लास फर्स्ट से 8th तक सभी विषयों की परीक्षा का संचालन पूरा नहीं कर पाए हैं, कुछ स्कूल्स कर चुके हैं लेकिन कुछ में नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा ही अगली क्लास में प्रमोट कर दे। और ये टीचर क्या करेंगे कि जो उनकी जो एक फॉर्मल होते हैं एग्ज़ाम, एक फॉर्मेटिव होते हैं और एक समेटिव होते हैं। जो फॉर्मेटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो बच्चे का जो पोजीशन जो रैंक रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो समेटिव में रिजल्ट निकाल देंगे, और जिसको ज़्यादा उसमें नहीं जाना तो वो सीधा प्रमोट कर देंगे। तो एनसीईआरटी के साथ मशवरा करने पर ये एडवाइजरी जारी की गई है। अब सीबीएसई 11th में एक नया सब्जेक्ट भी शामिल होगा, ये भी पढ़ लेंगे हम। और क्लास 9 टू 11th के लिए बोर्ड को जानकारी मिली है कई स्कूल ने क्लास 9 टू 9th व 11th की वार्षिक परीक्षाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां कुछ परीक्षाएं बची हुई हैं। ऐसे सभी स्कूलों को सलाह दी जाती है कि 9th और 11th दोनों के स्टूडेंट्स को स्कूल में अब तक हुए असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, पीरियोडिक टेस्ट, टर्म एग्जाम आदि के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दें। मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं उन्हीं के जो रिजल्ट देख के हाँ फिर समेटिव वो निकाल देंगे। अगर कोई स्टूडेंट इन आधारों पर क्वालिफाई नहीं करता है, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि वो एवरेज से भी लो होते हैं पढ़ाई में, हम उनको नालायक नहीं बोल सकते। किसी भी टीचर को बच्चे को नालायक बोलने का अधिकार नहीं है बिल्कुल भी, ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमारे आरटीई में लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन में, कि जो बच्चे एवरेज टू बिलो हैं तो अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करता है इस बेसिस पे तो स्कूल उसे खाली समय का दुरुपयोग करने के लिए कह सकता है, और फिर स्कूल आधारित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर लेकर उसे प्रमोट कर सकता है।
क्लास 10th और 12th के लिए जो जरूरी सूचना है वो यही है कि बोर्ड पहले ही इस संबंध में सूचना जारी कर चुका है। 19 से 31 मार्च तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी थी, लेकिन उनको आगे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। ये परीक्षाएं फिर कब होगी, इस संबंध में अभी के हालात में फैसला ले पाना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि अभी कोरोना वायरस 3 महीने तक एटलीस्ट ऐसा ही रह सकता है। इसीलिए हालात की समीक्षा के बाद बची परीक्षाओं के संचालन के लिए एक रीशेड्यूल किया जाएगा। हालांकि बोर्ड स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए 10 दिन पहले आपको डेट शीट बता दी जाएगी, आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल बताएंगे कि आज बताएंगे कि कल पेपर है, नहीं, 10 दिन पहले वो एक नोटिस जारी करेंगे और मैं आपको वो बता दूंगी। शेड्यूल जारी होने के 10 दिनों के बाद परीक्षाएं शुरू होंगी। सिर्फ 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं होंगी। एचआरडी जो मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने ये बोल दिया है कि सीबीएसई सिर्फ 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन विषयों में उत्तीर्ण होना अगली क्लास में जाने और विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए जरूरी है। बाकी विषयों की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। विदेशों में भी बाकी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। सीबीएसई ने ये साफ कर दिया गया है कि विदेश में 10वीं और 12वीं की क्लास में जो परीक्षाएं लंबित रह गई है, अब उन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बारे में सीबीएसई ने कहा कि विदेशों से कॉपियों को मूल्यांकन करने के लिए लाने में मुश्किल हो रही है, इस वजह से उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 10th और 12th का वो लेंगे पेपर, लेकिन अभी डेट शीट या फिर अभी कोई नोटिस नहीं डाला है। 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस डेट से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आपको टाइम मिलेगा उस चीज़ के लिए। और बाकी जो बच्चे हैं जो 9th में थे वो 10th में हो जाएंगे, जो 11th में थे वो 12th में हो जाएंगे, उनके फॉर्मेटिव जो टेस्ट है उनके बेसिस पर। अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो उसको थोड़ा टाइम दिया जाएगा पढ़ने का या पढ़ाने का, और फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में उसका एग्ज़ाम होगा। तो आपको बता दिया जाएगा, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जब एग्ज़ाम होगा तो फिर प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। यही इन्फॉर्मेशन थी सीबीएसई से रिलेटेड। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करके जाएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।